आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा, और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं, हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति अप्यार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था, और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था, और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा, ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।